हाँ, क्या खुशबू आ रही है, मतलब क्या बताऊं। और वोर नाम से एक फीचर फिल्म बनाई थी और वो राइट भास्कर ने किया था और उनके एक्टर है, लीड एक्टर है। हेलो दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट। हाँ, और आज मैं किचन में हूँ और दिख ही रहा है आप लोगों को, और बहुत दिनों बाद हूँ। और आज अभी बज रहे हैं लगभग 1:45 बज रहे हैं और मैं लंच के लिए आया हूँ, खाने के लिए नहीं आया हूँ, लंच बनाने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत अच्छा हूँ यहाँ पे, और माता रानी भोलेनाथ यूनिवर्स की कृपा से आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे अपनी अपनी जगह पे। तो फिर आज आपने जैसे सुना होगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या गाना सुन रहा है, लेकिन आवाज़ तो समझ में आ गई होगी। कुमार सानू साहब गा रहे थे, बंगाली में गा रहे थे, तो आज मैंने कहा कि आज थोड़ा सा बंगाली गाना सुना जाए। तो मेरे लिए फ़ायदा क्या है, देखो मैं हिंदी सुन सकता हूँ, इंग्लिश सुन सकता हूँ, बंगाली सुन सकता हूँ, SMS सुन सकता हूँ, मतलब समझ में आता। सुन तो सभी सकते हैं लेकिन समझ में आता है, क्योंकि फादर SMEs थे तो फिर मुझे SMEs आती है। 1, 2, 3, 4 जो भी क्लासेस है तो SMEs में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद जब फिर पापा के साथ, क्योंकि पापा आर्मी में थे, पापा जब पोस्टिंग हुई तो हमें लेके आए, तो फिर हिंदी इंग्लिश चालू हो गया। और बंगाली, क्योंकि मेरी माँ बंगाली है और खान पान में बंगाली छाप ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी बनाती है तो बंगाली में ही बनाएगी। अगर मम्मी SMEs होती, फादर बंगाली होते, तो उसमें SMEs छाप आ जाता है। मदर जिस तरफ के होते हैं ना, तो बच्चों के ऊपर उसी का छाप ज़्यादा आता है, लगभग मतलब परसेंटेज ज़्यादा होती है, क्योंकि समझ रहे हो ना, माँ के साथ जुड़ाव। गाना सुनते सुनते मैं खाना बनाता हूँ तो फिर और पॉजिटिविटी आ जाती है। और ये देखो अभी इस तरह का माहौल बना हुआ है, धूप छाया है, बादल भी है, बादल आ जाते हैं इस तरह से। सामने जीवदानी माता जी, सामने भोलेनाथ जी है, और बीच में मैं हूँ। प्याज ले लिया, आलू ले लिया, और ये अदरक और ये लहसुन, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट खत्म हो गया है तो संगीत के घर जाके दोबारा बनाना पड़ेगा, मतलब 2-3 दिन हुआ खत्म हो गया है, तो फिर एक बार बना के लेके आऊंगा तो फिर टाइम बच जाएगा, नहीं तो अभी ये सब छीलो घिसो टाइम लग जाता है। ये सोयाबीन की बड़ी है तो मैंने उबाल लिया है इसको, और इसमें क्या है ना कि इसमें एक इलायची डाल दी है, दालचीनी डाल दी है, और ये जावित्री भी डाल दिया है मैंने यहाँ पे। और एक्चुअली मैं इसमें इसलिए डाल देता हूँ, सोयाबीन की एक स्मेल आती है ना, वो पसंद नहीं है, बनाएंगे ना उसके अंदर से खुशबू आएगी, तो इसलिए मैं ये डाल देता हूँ। और ये जो पानी है इसको फेंकूंगा नहीं, क्योंकि इसमें वो सारा अरोमा है, तो उसको फिर करीब में इस्तेमाल करेंगे। मैं खाने को थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ, तो फिर ये देखो ये 10 रुपए का पैकेट आ जाता है, तो एक पैकेट का बन गया, तो यार 10 रुपए में इतना अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, तो फिर फालतू क्यों खाए यार 10 रुपए में। ये है आलू टमाटर, ये करके सब्जी बनाएंगे, चावल बनाएंगे और खाएंगे, तो फिर प्रोटीन मिल गया। तो इसीलिए खाने को ना थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ता है, फटाफट ये सब काट पीट लेते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ना हो तो इतना टाइम लग जाता है छीलने और ये सब करने में। अब ये अदरक है, अदरक को भी कर लेंगे, लहसुन कर लिया है, अभी अदरक को भी कर लेते हैं। लगभग अपना सब कुछ तैयार हो गया है, ये आलू कट गया है, प्याज कट गया है, टमाटर कट गया है यहाँ पे, तो और ये अदरक लहसुन को घिस लिया है, और ये हरी मिर्च होगी, बहुत ही लिमिटेड तेल मसाला भी वो है जिससे कि हेल्थ भी बनी रहे, टेस्ट भी बना रहे। तेज पत्ता डालेंगे सबसे पहले, हरे मसाले डालूंगा, ये बड़ी वाली इलायची है, 2 छोटी इलायची डाल रहा हूँ हरी वाली, थोड़ी सी दालचीनी फिर इसमें डाल देंगे, इसमें भी डाला हुआ है दालचीनी, इसलिए ज्यादा नहीं डालेंगे और ओवर पावर नहीं करेंगे। 5 मिनट आलू को भूनेंगे इसके साथ, नमक भी अभी डाल देता हूँ, क्योंकि अभी नमक डालने से क्या होना ना, गल जाएगा आलू को, जल्दी गला देगा, ये थोड़ा खाने में अच्छा लगता है। और लगभग हो गया है, देखो ब्राउनिश हो गया है, तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बाद में गलेगा ये। और अभी क्या करेंगे कि ये जो प्याज है ना, प्याज डाल देंगे अभी इसी में, क्योंकि प्याज भी पकेगा, प्याज के साथ साथ फिर आलू भी पकते रहेंगे, तो अलग अलग पका के कोई फ़ायदा नहीं है, गैस की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, तेल ज़्यादा लगता है, तो वो सब मैं थोड़ा सा हेल्दी वे में और कम टाइम में करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि काम भी बन जाए और टाइम भी ना लगे और ज़्यादा तेल मसाले भी ना जाए। अदरक और लहसुन जो मैंने कद्दूकस किया था, और ये अपना हरी मिर्च,
अभी इसमें डाल देंगे। प्याज याज लहसुन वगैरह पकेगा ना, और फिर टमाटर भी डालूंगा, टमाटर भी पकेगा, तब तक आलू पक चुका होगा, तो चावल भी पकता रहेगा, खाना भी पकता रहेगा, एक ही टाइम में दोनों चीजें हो जाएंगी। ये देखो भुन गया है बहुत अच्छी तरह से, अब टमाटर डाल देंगे इसमें। तो अब खेल शुरू होगा यहाँ पे। खजाना आया, तिजोरी खोली, और लोगों के तिजोरी में हीरे मोती रहते हैं, और जो कुक करते हैं उनका खजाना यही है। अभी हम डालेंगे हल्दी, इसी टमाटर के ऊपर डाल देंगे, डालेंगे धनिया, आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे, कम डालेंगे इसको, ऐसे मिला देना है। ये पानी डाल देंगे, सोयाबीन वाला पानी डाल देंगे, सोयाबीन वाला पानी ऑलरेडी फ्लेवर्ड पानी है। जावित्री वगैरह ना मुंह में आता है तो बहुत खराब लगता है ये, तो ये मैं निकाल दूंगा क्योंकि इसका फ्लेवर ऑलरेडी आया। लो पे कर देंगे, नहीं तो क्या है ये जल जाएगा क्योंकि ये पक चुका है साइड से, तो वो धीरे धीरे पकना है, और बीच में क्योंकि हीट ज्यादा आती है तो इसमें अपने आप पकता रहेगा, और इसको कर देंगे बंद। हो गए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखो कितनी मस्त तरीके से, ये बीचों बीच डालने से क्या है ना, मसाला का पेस्ट बन जाता है बहुत अच्छी तरह से। अगर इनके साथ मिला दो ना तो ये गलाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर आलू भी गल जाएगा, मतलब आलू का भरता बन जाएगा, इसलिए ये सारे तरफ अपनी धीमी धीमी आँच पे पक रहे हैं, और बीच में मसाले के साथ ये मेरा पेस्ट बन गया है टमाटर का। सोयाबीन की जो बढ़िया है थोड़ा निचोड़ेंगे, ऐसे करके ये बीचों भी डालेंगे, मसाले के साथ सोयाबीन को भी भुनना है, और ये पानी फेंकेंगे नहीं, ये फ्लेवर्ड पानी है, भुनाई करनी है। आलू महाराज गल के ना भरता हो चुके हैं एकदम, अब मैं एक पीस खा के देखता हूँ। गहुम है, लहसुन अदरक का जो स्वाद आ रहा है ना, क्या बताऊं। अभी सबको ले लेंगे लपेटे में, इसलिए मैं ऐसे बनाता हूँ क्योंकि आलू गलाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाना नहीं पड़ा, प्याज गलाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाना नहीं पड़ा, उसी तेल में हो गया। वो धीमे आंच पे अगर खाना बनता है तो गैस भी कम लगता है, खाना टेस्टी भी होता है, और पकता बहुत अच्छी तरह से। और एक चीज और डालनी पड़ेगी, रुको, वो मेरा फेवरेट है, ये कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी डालते ही क्या मस्त खुशबू आने लगी, और वैसे भी लौंग इलायची दालचीनी उनकी तो जो खुशबू आ रही है ना, क्या बताऊं मैं। ठंडा पानी है तो फिर बीचों बीच ये डाल दूंगा, बीचों बीच आंच ज्यादा रहती है तो गर्म हो जाएगा, इतने पानी से नहीं होने वाला, ये सूखा सूखा बन जाएगा इतने पानी से, तो पराठे रोटी के साथ एकदम मस्त लगेगा। उनको करी चाहिए, करी चावल के साथ खाना है भाई। ब्लैक पेपर थोड़ा सा लेंगे, आजकल वायरल वगैरह चल रहा है तो काली मिर्च बहुत अच्छी होती है। अभी लेंगे लौंग, 5-6 दाने लौंग के लेंगे, इसमें लौंग ज्यादा नहीं लेंगे नहीं तो कड़वापन आ सकता है, और ये है, और इसकी पिटाई करनी है। स्पाइसी हो जाता है लेकिन ये स्पाइस ना खराब नहीं करता पेट को, क्योंकि ये सब ना आयुर्वेदिक हर्ब्स है, आयुर्वेदिक गुण है इनमें। 10 मिनट हो चुके हैं तो अपन देखो क्या मस्त हो गई है ना ये, अब मिक्स कर देंगे, ये करी हो गई है एकदम बढ़िया। और उसमें क्या करेंगे, अभी जो कूटा है ना ये काली मिर्च और ये लौंग, ये अभी डाल देंगे इसमें, और मुझे नहीं लगता कि गरम मसाला एक्स्ट्रा डालने की जरूरत है, तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्या खुशबू आ रही है, मतलब क्या बताऊं। जो खाना बनाते हैं वो लोग ये देख के समझ तो गए होंगे, इसका रंग और स्ट्रक्चर देख के समझ तो गएंगे कि भाई क्या ही चीज बनी होगी। गर्मा गर्म चखते हैं एक बार, काली मिर्च, लौंग, कस्तूरी मेथी, इलायची, ओ क्या विस्फोट हो रहा है मुंह पे। सोयाबीन के साथ खा के देता हूँ, नमक भी परफेक्ट है, जो वो सोयाबीन की जो एक महक आती है ना वो नहीं आ रही, उसकी जगह ना इलायची और दालचीनी की खुशबू आ रही है। हो गया अपना, बंद करके रख देते हैं। तो अपना आज का लंच डन, और बीच बीच में मैं जाके एडिट भी कर रहा था, कोशिश करता हूँ कि इस तरह से आप लोगों के साथ जुड़े रहूं। बहुत पहले देखी थी ये फिल्म द इक्वलाइजर, काफी महीने हो गए यार मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी, ना इसमें देखी ना ओटीटी में देखी, कुछ भी नहीं देखी जब से आया, सब ब्लॉगिंग में, इसमें मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है। एंजल वॉशिंगटन फेवरेट हीरो की आ रही है। जब मैं देहरादून में रहता था, जब कॉलेज वॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, तो भाई एक मतलब वो हुआ करता था ऐसे एक्शन फिल्म देखने की ना, भूल भी गया कहानी, बहुत पहले देखी थी, खाते खाते देखते हैं। ले यार मुझे जाना है जल्दी, मैं ये भी खाने को तैयार नहीं है, ये खेलने के लिए आया बच्चा सा है। और ये 2 बिस्किट यहाँ पे है, हाथ में मेरे बिस्किट है, किसी और को देता हूँ। और ये क्लब हाउस सामने, आज मौसम खुला हुआ है, देखो एकदम मस्त खुला हुआ है मौसम। संगीत के वहाँ जा रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है कि मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है। और ये देखो अब बिजी है भाई आज, तो ये
और भाई सब भी यहाँ बैठे हैं। और ये है भास्कर, आप लोगों ने देखा होगा ना इससे पहले वाले ब्लॉग में, मतलब कितने 4 महीने हो गए यार, कब आए थे? दिसंबर में मिले थे, फेब में मिले थे अपन, तरन की शादी से पहले मिल चुके थे, उसके एक हफ्ते बाद ही जाने वाले थे। देखा इसको खुद नहीं पता है, तो फेब तक में मिले थे, मार्च या फेब में मिले। मैंने फिल्म बनाई है, कांग्रेचुलेशन भाई। पुराने फैमिली मेंबर्स हमारे मिल चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है कि साथ वाले आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे और कस्टमर भी है, बहुत लोग थे ना, तो फिर वो देखना पड़ता है ना भाई। तो फिर अभी क्या है कि अपन ये कॉफी का दौर चल रहा है और भाई ने एक फिल्म बनाई है, तो वो एक्चुअली मितेश है ना, मितेश और जो पहले हम लोग कुछ स्क्रिप्टिंग के लिए ढूंढ रहे थे, तो सो ये क्या कहते हैं, भास्कर ने ही लिखा था उसको, तो फिर वो बात नहीं बन पाई। अरे फिल्म इंडस्ट्री में मतलब ये माना जाता है कि जो लिखता है वो डायरेक्ट करता है तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसका बच्चा माना जाता है, वो उसको पता है कहाँ क्या करना होता है, तो वो वहाँ बात नहीं बनी, तो भास्कर ने वो बना डाली है। तो मुझे मतलब इतना ज़्यादा इससे मैं यही पूछ रहा था भास्कर कब देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं स्टोरी जानता हूँ, सारा कुछ जानता हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई कैसे बन रहा है, मतलब कहाँ शूट किया होगा, वो सीन कैसे वो किया होगा, तो बस उसके लिए बैठे थे। और क्योंकि बहुत लोग थे इसलिए अभी है ना तुम्हारे पास, हाँ तो फिर अभी देखते हैं। और इनके दोस्त है और दोस्त नहीं है, एक्टर है, और भोर नाम से एक फीचर फिल्म बनाई थी और वो राइट भास्कर ने किया था, और उनके एक्टर है, लीड एक्टर है भाई, वहां तो कैरेक्टर में होता है ना आदमी, तो फिर कैरेक्टर से निकल के फिर अलग दिखने लगता है। हाँ तो संगीत ने अच्छा डायलॉग मारा कि तब कैरेक्टर में था, अब कैरेक्टर लेस हो गया तो इसलिए पहचाना नहीं आया। वो शॉर्ट फिल्म दिखाते नहीं है भाई, वो शॉर्ट फिल्म अभी आएगी नहीं कहीं, क्योंकि वो फेस्टिवल्स में जाएगी, क्योंकि भास्कर ने कुछ प्लानिंग की हुई है कि उसको फेस्टिवल में भेजना और वो सारी मतलब प्रोसेस होती है, तो वहां जाएगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कहाँ रिलीज होता है, हॉटस्टार में हो जाए, अमेजोन में हो जाए, तो फिर वो सारी चीजें एक लंबा टाइम लेती है। भारत को प्रेम करने वाले लगभग 9 बजने वाले हैं, तो भास्कर लोग भी गए और मैं भी इधर आ गया हूँ, और फिल्म अच्छी थी यार, 2-3 बिस्किट बज गए थे अभी लौटते वक्त, ये दूसरा वाला है जो उसके साथ वाला है, तो इसको खिला रहा हूँ, टाइम ये नहीं था, नहीं तो ये खा लेता, ये ले, ये थोड़ा डरपोक है, ये हमेशा डरता है, अच्छा सा लगता है अगर इस तरह से कुछ किया जाए तो मन को अच्छा लगता है, तो बीच बीच में मैं करता रहता हूँ ये सब चीजें। और ये पहुंच गए होम स्वीट होम, लाइट उस तरफ है। फिल्म अच्छी थी और स्पेशली मैं वही देखने गया था क्योंकि वो स्क्रिप्ट अपने पास लगा लो 6 महीने पहले ही आई थी, मतलब दिसंबर के करीब या जनवरी के करीब आई थी, जब मितेश के साथ कुछ प्लानिंग हो रही थी शॉर्ट फिल्म बनाने की। बेस्ट ऑफ लक भास्कर। यार आज सुबह क्या हुआ ना, गले में खराश शुरू हो गई और थोड़े ना बॉडी पेन होने लगा है, तो फिर सबको वायरल हो रहा है, संगीत भी अभी 3 दिन वायरल से होके उठा है, सिम्टम्स पता चल जाता है, पहले खराश होती है, फिर हल्का हल्का बॉडी में पेन होता है, थोड़ा फीवरिश सी आती है, वैसा हो रहा है, तो फिर ये मैं लेके आया हूँ विटामिन सी की गोली, और ये है क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू। वैसे मैं एलोपैथिक दवाई नहीं खाता हूँ लेकिन विटामिन सी की गोली है तो वो है, और अभी होम्योपैथी है नहीं मेरे पास, होम्योपैथी अपनी डॉक्टर लोखंडवाला में, तो फिर मैंने कहा कि यार आज खा के सो जाऊंगा तो फिर ठीक रहेगा। चावल खत्म हो गया था, 1 kg चावल लेके आया हूँ, सौंफ आप चबाते हो तो हजम होता है, तो पुरानी आदत है, तो सौंफ खत्म हो गया था, तो ये खाने के बाद खाने के लिए सौंफ है, और मेरी दालचीनी खत्म हो गई थी तो ये मैं दालचीनी लेके आया हूँ, मतलब सिनेमा सोयाबीन की सब्जी पड़ी हुई है, इधर चावल है, और नाश्ता शुरू हो गया जैसे आपने देखा, और आज सुबह सुबह किचन में ऐसे किस गाना लग रहा है, ये है पापन दा का, तो जो पापन है सिंगर है मोमो के धागे, तो असम के ही है, गुवाहाटी के हैं, तो फिर आज मैं कल जैसे नाश्ता बनाते वक्त मैंने कुमार सानू दा का गाना सुना बंगाली में, आज पापन दा का गाना सुन रहा हूँ SMEs में, फिर हिंदी गाना सुनता ही रहता हूँ, फिर इंग्लिश भी चलते ही रहते हैं, तो फिर ये है कि मैंने जैसे बताया था ना कि
पेरेंट्स अलग अलग भाषा के हो तो ये फायदा हो जाता है बच्चों को, तो वो फायदा मुझे मिला है। तो फिर मैं असमीज गाना भी इंजॉय करता हूँ, बंगाली भी करता हूँ, हिंदी भी करता हूँ, इंग्लिश भी करता हूँ। पंजाबी गाने थोड़े बहुत समझ में आ जाती है तो वो थोड़ी इजी हो जाती है, और बाकी तो हाँ साउथ इंडियन बिल्कुल नहीं समझ में आता है। और हाँ महाराष्ट्रीयन गाने भी समझ में आ जाता है, क्योंकि उनके जो शब्द है महाराष्ट्रीयन शब्द और बंगाली शब्द है ना, बहुत सारे सिमिलर है, बहुत सारे शब्द, तो वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है। तो फिर अभी क्या है कि अपना नाश्ता बना रहे हैं, सर्दी जुकाम में कैसा लथार्जिक सा हो जाता है ना, तो वो बस इरिटेट कर रही है वो सारी चीजें तो ये खिचखिचाहट तो थोड़ी खत्म हो गई है, थोड़ा भारीपन है, लेकिन वो जो कल बहुत ज्यादा हो रहा था ना, तो विटामिन सी की गोली और कफ सिरप, और फिर मैंने और क्या लिया था, वो जो तुलसी का जो बूंद है जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, वो लिया था, तो उसकी वजह से काफी कम हो गया है। तो अभी फटाफट ये नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर एडिट पे लगते हैं, क्योंकि ये वाला ब्लॉग फिर एडिट करना है, क्योंकि बीच में कोई ब्लॉग नहीं आया यार, मालूम है यार, मतलब मैं क्या बोलूं यार, बस हो जाएगा, माता रानी भोलेनाथ यूनिवर्स करा रही है, हो जाएगा, अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, और डे बाई डे अच्छा होता जा रहा है, तो मतलब आगे भी बहुत अच्छा होता जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा अटक जाते हैं, हर कोई अटकता है यार, बस वो थोड़ी सी निकल जाए ना तो बस हाथी निकल गई, पूछ रह गई है बस। अगली सभा में कहाँ मिलेंगे, इल्ले कुछ नहीं पता, नको पता ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं पता। तो माता रानी भोलेनाथ जीवदानी माता जी यूनिवर्स जहाँ कराएंगी, अच्छा ही कराएंगी, और अच्छा कराती जा रही है, तो फिर वहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।